Assalamualaikum friends, welcome to food with Nimra channel. आज मैं आप सबके साथ दानेदार चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोरमा बनाने की ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता हो तो आप लोग बाजार से कहीं ज्यादा अच्छा दानेदार चिकन कोरमा घर में बना सकते हैं। कोरमे का बाजार की तरह का जायका, खुशबू और रंगत किस तरह से आप लोग कोरमे में ला सकते हैं, घर में तमाम डिटेल आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ। तो रेसिपी बहुत ही काम की होने वाली है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानेदार चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हम लोगों ने 1 कप भर के ऑयल शामिल करना है। कोरमे में ऑयल हमेशा ज्यादा ही जाता है, इसलिए आप लोगों ने ज्यादा ही ऐड करना है। अब ऑयल में हम लोगों ने प्याज शामिल करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज को बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अगर प्याज का साइज छोटा हो तो फिर आप लोग 4 अदद प्याज भी इसमें ले सकते हैं। अब ऑयल में प्याज को हम लोगों ने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हम लोगों ने इतना फ्राई कर लेना है कि जबरदस्त सा ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए और गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाए। इसको हम लोगों ने जलाना नहीं है, काला रंग नहीं करना प्याज का, क्योंकि जो कोरमे का कलर होता है, अगर आपके प्याज का कलर अच्छा होगा तो ही कोरमे का कलर भी अच्छा आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे चम्मच चलाते हुए ही प्याज को अच्छे से फ्राई करना। जैसे ही प्याज क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फटाफट से आप लोगों ने इसको निकाल लेना है ऑयल से, वरना ये जल्दी से जल जाएगा। अगर आप लोगों का प्याज जल जाए, डार्क कलर का हो जाएगा, तो फिर कोरमे का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। ये चेक कर लीजिए, क्रिस्पी क्रिस्पी सा प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब दही लिया है और इस प्याज को हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है जो अभी हम लोगों ने फ्राई किया था। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब इस प्याज और दही को हम लोगों ने ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि इसका स्मूथ सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए। तो ये मिक्सचर हम लोग रेडी करके साइड पे रख लेते हैं। अब कोरमे का मसाला रेडी करते हैं, तो उसी ऑयल में हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून के करीब। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम लोगों ने चंद सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम लोगों ने चिकन ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है। आप लोग इसकी क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। चिकन को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कम्प्लीटली कलर चेंज हो जाए। ये चेक कर सकते हैं, चिकन का बहुत अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम लोगों ने किसी भी अच्छे ब्रांड का कोरमा मसाले का साशा ऐड कर देना है। किसी भी ब्रांड कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है। तो पूरा साशा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो हम लोगों ने दही और प्याज का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, वो आप लोगों ने अब इसमें ऐड करना है। मैंने बस इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बस हम लोगों ने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर इसको हम लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। दही के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अब मैं आप सबके साथ 15 से 20 मिनट बाद का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। ये चेक कर सकते हैं, चिकन बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है और इसका जो मसाला है कोरमे का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज में हम लोगों ने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने नमक इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने पैकेट का मसाला यूज़ किया है, उसमें ऑलरेडी ही नमक मौजूद होता है। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। अब इसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट 1/2 कप दूध शामिल करना है। जी, कोरमे में आप लोग अगर दूध शामिल करते हैं ना, तो इससे ज़बरदस्त दानेदार कोरमा रेडी होता है और साथ में इसका टेस्ट बिल्कुल जो देगी कोरमा होता है ना, वही आएगा। और दूध शामिल करने से ही कोरमे का जो रंग है वो खिलता हुआ आएगा। तो आप लोगों ने लाजमी इसमें दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने के बाद इसको हम लोगों ने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही अच्छे से कुक करना है कि जो दूध हम लोगों ने ऐड किया है वो तमाम मसाले के अंदर अच्छे से ना मिक्सअप हो जाए और दानेदार सा कोरमा रेडी हो जाए, इसका मसाला भी जबरदस्त सा रेडी। ये चेक करेंगे 3 से 4 मिनट बाद ही ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो चुका है और दानेदार सा मसाला कोरमे का रेडी हो चुका है। तो अब इसको बाजार जैसी खुशबू देने के लिए इसमें हम लोगों ने कोरमा एसेंस ऐड करना है चंद कतरे। जब आप लोग ये एसेंस इसमें ऐड करेंगे ना, तो आपके पूरे घर में इतनी प्यारी कोरमे की खुशबू फैल जाएगी और साथ ही आपके जो पड़ोसी हैं वो भी पूछेंगे कि घर में आप लोगों ने कोरमे की देख बनवाई है, तो फिर आप उनको बताइएगा नहीं नहीं, ये तो मैंने घर में चिकन कोरमा बनाया है। उनको भी यकीन नहीं आएगा अगर आप लोग किसी को भी खिलाते हैं। तो ये जरा चिकन कोरमे का क्लोजअप चेक कर लीजिए। तो इसको गर्मा गर्म में हम लोग सर्व कर लेते हैं। ये चिकन कोरमा दावतों वगैरह के लिए तो बेस्ट आइटम है। आप लोगों ने ये ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी फीडबैक देना है। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे पिक्चर वगैरह टैग कर सकते हैं जब भी इसको ट्राई करें। इंस्टाग्राम का नेम फूड विद निमरा के नेम से, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे पिक्चर वीडियो टैग कर सकते हैं ईजी। ये दानेदार चिकन का कोरमा आप लोग नान, चपाती, रोटी, ताफ्तान या फिर जो दूध वाली रोटी होती है या फिर मेरी तरह शीरमाल, ओए शीरमाल के साथ तो ये क्या ही लगता है। आप लोग अगर इस तरह से इसको ट्राई करते हैं ना, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको। और अगर आप लोगों को ऐसी ही आसान आसान दावतों वाली मिनटों में बन जाने वाली रेसिपीज, ऑथेंटिक रेसिपीज चाहिए, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।